नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको एक प्रिंटर के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आपके प्रिंटर में किसी कारण से वैसे आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ कागज़ फंसे नहीं, मोड़ा हुआ टूटा हुआ कागज़ इसमें नहीं डालना है। फिर भी दुर्भाग्यवश किसी तरह से आपके प्रिंटर में कागज़ फंस जाता है तो आपको कैसे निकालना है? देखिए, सबसे पहले आपको जो है इसमें एक ऐसा लेना है, डिसमिस लेना है आपको, ये पेचकस जिसको बोलते हैं, और इसमें आपका ये देखिए, मैं आपको बोल्ट इसमें दिखाता हूँ, इसमें कागज़ फंस गया है, ये देखिए बोल्ट लगी हुई है और यहाँ पे भी लगा हुआ है। पहले इस दोनों बोल्ट को जो है खोल देना है, पकड़ो तो इस दोनों बोल्ट को जो है निकाल देते हैं, सावधानी पूर्वक इसको यहाँ से निकाल देना है। देखिए ये कागज फंस गया है इसमें, इसको कैसे निकालना है? तो जैसे ही बोल्ट खोलेंगे दोस्तों ये आराम से ऐसे उठ जाएगा, देख लीजिए, इसको आराम से इसको उठा दीजिए थोड़ा सा, और इसको पूरा उस साइड नहीं जाने देना है, पकड़ के रखना है। और यहाँ पे देखिए ये इसमें फंसा हुआ है, और इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे इसको थोड़ा हटा देते हैं, ऐसे हटा सकते हैं हाथ से इसको। अब ये पूरा हट गया, अब जो है इसको ये कागज़ को यहाँ से निकालने का कोशिश करेंगे हम। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया तो इसको खोल भी सकते हैं, लेकिन इसको हमें खोलना नहीं है, हमें जो है कागज़ निकालना है। ठीक है, जितना आपको निकल सकता है ये निकाल लेना है। देखिए निकल गया, इसको हमने बीच में काट दिया तो दो टुकड़ा हो गया, ये देख लीजिए एक टुकड़ा निकल गया और दूसरा टुकड़ा जो है इससे यहाँ से फंसा हुआ है। इसको कैसे निकालना है पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद इसको यहाँ से ऐसे उठा, कागज़ सही सलामत हमने निकाल दिया, लेकिन इसका जो प्रिंटिंग है, प्रिंट आउट है, थोड़ा छिछड़ा टाइप का, अच्छा नहीं आता है। ठीक है, पूरा प्रॉपर छपाई नहीं होती है, इसीलिए इसको जो है हेड क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है, इस तरीके से आपको जो है हेड क्लीनिंग कर लेना है। हेड क्लीनिंग करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर जाना होता है। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर्स है, डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे जाने के बाद ये ऑप्शन आता है। ठीक है, डिवाइस एंड प्रिंटर्स के जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे मेन और मोर ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में जाने के बाद देख लीजिए यहाँ पे बारी बारी से नोजल चेक, हेड क्लीनिंग, पावर क्लीनिंग, प्रिंट, तो इस तरह का कुछ इसका प्रोसेस होता है। मेन प्रोसेस इसका हेड क्लीनिंग होता है दोस्तों। हेड क्लीनिंग करने के बाद और नोजल चेक करने के बाद जो है आपका ये सही हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट होना चालू हो गया है, अब इस ढक्कन को बंद कर देते हैं, अब हमको प्रिंट करके ट्राई कर लेना है कि कैसा आ रहा है प्रिंटिंग इसका, और ये सारा बंद कर देते हैं। अब हेड क्लीनिंग करने के बाद जो है ये ठीक ही हो जाता है दोस्तों। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसका जो प्रिंट आउट हुआ होता है वो दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है ये बहुत अच्छा से प्रिंट इसमें कर लेता है। अब तो ये फाइनली हमारा ये जो है अच्छा से, ये भी टेस्ट किया हमने, ये भी सही हो चुका है। YMCBK जो होता है ये भी टेस्ट कर दिया, ये भी सही है और ये भी सब ओके है। तो ओके होने के बाद आपको यहाँ पे कर लेना है, यहाँ भी ओके कर देना है और ये सब जो विंडो खुला हुआ है इसको काट देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपने प्रिंटर को जो अगर कागज़ फंस गया है तो हेड क्लीनिंग कर सकते हैं, अगर कागज़ नहीं भी फंसा है तो भी आप जो है इसमें अगर प्रिंट अच्छा से नहीं हो रहा है तो हेड क्लीनिंग बीच बीच में आपको कर देना चाहिए। बस सकते आपको जब हेड क्लीनिंग करेंगे तो इसका ये ढक्कन जो है खोल के आपको करना है, इससे क्या होगा आप अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इस तरह से बंद कर देना है।